वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरिता सुमित कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने से अगर आप देखें जो मेडिकल टूरिज्म है वो बढ़ेगा तो अपोलो का फायदा होगा। लेकिन सुमित, जब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं खुली थी ना, तब भी जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक थे जिस तरीके से एग्जिट कर रहे थे ना, आप समझ लीजिएगा कि 6024 नवंबर को भाव था इसका, और 3629 सबसे सीवियर प्राइस डैमेज वाले स्टॉक्स की श्रेणी में अपोलो हॉस्पिटल्स और एक डॉक्टर लाल पैथलेव आता है। ये मानस जी, मेरे को तो अभी फियर ये लग रहा है कि कहीं अपोलो में अगर ये जोन 3650 का ब्रीच हो गया, जो कि 7 जुलाई का एक ब्रेकआउट पॉइंट था, तो उसके बाद बहुत दूर तक कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, मैं एक बार इस चार्ट को वीकली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ। वीकली, इनफैक्ट मैं शायद अभी इस वक्त वीकली पे एवरेजेस ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। इसको देख के आपको लग क्या रहा है, अगर ये जोन टूटता है 3574 का या फिर 3550 का अर्निंग के बाद या फिर अर्निंग से पहले, तो इसका प्राइस पोजीशन नीचे का क्या होगा? तो देखिए, 4 हफ्ते पहले मैंने इस स्टॉक के बारे में बात की थी और तब मैंने मेंशन किया था कि वीकली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला है और उसके टारगेट काफी बड़े आते हैं। तो उस टाइम भी मैंने अपने टारगेट मेंशन नहीं किए थे वो टारगेट, और उस टाइम में मैंने 3500 तक के टारगेट दिए थे, वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। मेरा समझना है कि जो नेक्स्ट लेग आएगा मंदी का, वो आपको स्टॉक को करीब करीब 3100 रुपए के आसपास लेके जाएगा। इसलिए बिल्कुल कॉशियस रहिए, कोई उछाल मिले तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी और खरीदारी करने की सलाह तब तक नहीं रहेगी जब तक ये 3900 के ऊपर की क्लोजिंग ना दे, 3900 के ऊपर की क्लोजिंग ना दे। नीचे की तरफ उम्मीद बहुत है कि फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा और अगले महीने शायद हमें 3100 के भाव भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये बात हुई अपोलो हॉस्पिटल की।